इस वक्त जुड़ गई हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी भी, और उनसे अब सीधे बात करते हैं। उमा भारती जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो इस जीत की, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं बड़े सारे कि आप गंगा की सफाई कराते कराते अब उत्तर प्रदेश में सफाई करने पहुंचने वाली है, कहीं ये तो नहीं कि आप गंगा की सफाई को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाए मुख्यमंत्री बनकर, क्योंकि आप झांसी से ही सांसद हैं और उन चेहरों में शामिल है जिनको उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किया गया था जब बीजेपी ने कहा था कांग्रेस को ये साफ पसंद है और बीजेपी को ये साफ पसंद है। प्रदेश में प्रोजेक्ट किया गया था जब बीजेपी ने कहा था कांग्रेस को ये साफ पसंद है और बीजेपी को ये साफ पसंद है। दीपक, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे कही है, मेरा इन 2.5 सालों में मोदी जी ने गंगा पे इतना सपोर्ट किया है और गंगा इतना महत्वपूर्ण है, वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है और पूरा संसार उसको अपनी माँ कहता है। ये तो राहुल ने अपना बहुत हल्कापन दिखाया जिसकी सजा भी उन जैसे लोगों को मिल गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गुजरात के लोग यहां से कहां से गंगा को माँ कहने के लिए आ गए, गंगा को तो पूरा संसार माँ कहता है। उस माँ की स्वच्छता के लिए मोदी जी ने मुझे पूरा सपोर्ट दे रखा है, मुझे गंगा के अलावा कुछ नहीं सोचता। उत्तर प्रदेश की सफाई जरूर होगी, वहां का अपराध भी हटेगा, भ्रष्टाचार भी घटेगा, विकास होगा और वो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो करेगा, लेकिन मैं कहीं से भी दूर दूर तक उसमें रुचि नहीं रख रही हूं। आपको मेरी व्याकुलता पता है दीपक, मैं आपके न्यूज चैनल पे आई थी, मैं गंगा के ही बारे में बात कर रही थी, मैं तो गंगा के लिए ही जी रही हूं, गंगा के लिए ही मरूंगी, मुझे और किसी चीज में रुचि नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं उमा जी कि ऐसा क्या फैक्टर्स थे जिसके चलते, क्योंकि आपने बड़ा लंबा कैंपेन किया उत्तर प्रदेश में, हर चरण के चुनाव में कैंपेन किया, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनके चलते इतना भारी मैंडेट मिला है बीजेपी को, क्योंकि 315 सीटों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके पीछे कारण बहुत पहले शुरू हो गए थे, भारत में कांग्रेस का धीरे धीरे तिरोहन होने लगा था, भारत में गरीबी भुखमरी बेरोजगारी के लिए लोगों ने बातें करी राजनीति करी, लेकिन गरीबी में से निकला हुआ एक मसीहा प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पहली बार किसी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने प्रस्तुत किया, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया। नरेंद्र मोदी की बैकग्राउंड थी गुजरात के विकास की, गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर की, गुजरात की महिलाओं की सुरक्षा की, उसके कारण एक बैकग्राउंड बनती गई जिसके कारण जितनी अच्छी चीजें थी वो सब, चाहे वो समाजवादी विचारधारा की हो, चाहे साम्यवादी विचारधारा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो सब दीनदयाल जी के एकात्मानववाद में समाहित रही हैं। उनको ठीक तरीके से मोदी जी ने पकड़ा, उसकी गवर्नेंस उन्होंने गुजरात में भी करी, उसी पे गवर्नेंस उन्होंने देश में करी, इसलिए यूपी में वो माहौल बन गया और ये माहौल पूरे देश में बनेगा, अभी आगे और बनेगा। 2019 के चुनाव में लोकसभा में हम और ज्यादा सीटें लेके आएंगे। उमा जी, अभी अभी कांग्रेस के जो सीनियर प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को पूरा सहयोग करते हैं, पर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो विभाजन की, वो डिवीजन की, वो कसाब की और वो कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति नहीं करेंगे। तो क्या वाकई ने बीजेपी ने डिवाइड करके, जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण करके इस चुनाव में 315 सीटें पाई हैं निगेटिव पॉलिटिक्स करके? मुझे लगता है कि जिस तरह से रणजीत बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, उस समय मैं आ गई थी यहाँ पे आपके कैमरे के सामने, जो बड़ापन जो गरिमा उन्होंने दिखाई इस हार को स्वीकार करते हुए, अगर राहुल में जरा भी ये संस्कार और समझ होते तो इतनी भद्द तो ना पिटती कांग्रेस की, और अखिलेश की भी भद्द राहुल के कारण ज्यादा पिट गई है। हमने कोई डिवाइड नहीं किया है, अगर हमने तो एक डिवाइड की तरफ इशारा किया कि इस डिवाइड को खत्म करना है, हमने ये कहा कि कब्रिस्तान और शमशान में भेद नहीं करना चाहिए, हमने भेदभाव मिटाने की बात कही है, और इसलिए बहुत अच्छा है अगर ये लाइन कांग्रेस पकड़ेगी तो थोड़े बहुत बचे रहेंगे। हमने कोई डिवाइड की पॉलिटिक्स नहीं की, हमने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की, हमने गरीबी भुखमरी और बेरोजगारी को मिटा देने की बात कही और उस दावेदारी पर लोगों ने विश्वास कर लिया, विश्वास की पॉलिटिक्स की है हमने। ठीक है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी कितने बड़े फैक्टर रहे हैं इस बात के कि अखिलेश को मात्र 50 सीटें मिल पाई, सिर्फ 50 सीटें जो 226 सीटों पर थे? क्या है कि अब राहुल गांधी कोई फैक्टर ही नहीं है, बल्कि कुछ नेगेटिव उनसे हो सकता है, जैसे उनका मोदी जी को कहना कि ये गुजराती कहां से आ गए यहां गाय गंगा को अपनी मां कहते हुए, ये सब चीजें लोगों को अच्छी लगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो कहीं ये गब्बर बन जाएंगे। एक इतने बड़े खानदान के हैं राहुल,
जो मोतीलाल नेहरू से जिसकी परंपरा शुरू हुई है देश के लिए लड़ने और मरने की, वो परंपरा धीरे धीरे धुंधली पड़ गई राजीव जी के निधन के बाद में। अगर वो उस परंपरा की सुगंध को, संस्कार को कायम रखती तो वो ठीक लगता, लेकिन वो सारी चीजें कहीं पीछे छूट गई और वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के आए हैं जो गैर जिम्मेवारी दिखाते हैं, बूढ़े हो गए लगभग लेकिन अपरिपक्वता दिखाते हैं, लोग उनको राहुल बाबा कहते हैं, ये सब के कारण वो तो हल्के पड़ी है, उनके बगल में जो खड़ा होता वो माइनस हो जाता है। इसलिए अखिलेश को नुकसान होना ही था जो नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा गहराई से नुकसान हो गया क्योंकि वो राहुल के बगल में खड़े हो गए। अखिलेश का बहुत बुरा हाल होना है। मैं आपको कह सकती हूँ कि कांग्रेस देश से साफ हो गई और समाजवादी पार्टी आगे भविष्य के लिए भी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल, चूंकि अब मौका है, एक बार कल्याण सिंह की लीडरशिप को प्रोजेक्ट किया गया बीजेपी में, चूंकि वो एक गैर यादव ओबीसी थे, लोथ कम्युनिटी से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आप आती हैं, उसके चलते उन्होंने एक बड़ा जनाधार बनाया, क्या आप मांग करेंगी या आपका मत होगा पार्टी के अंदर कि एक एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट या ओबीसी यानी ऑफिशियल बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि 42% उनकी वोटिंग थी और सभी ने एन मास बीजेपी को वोट किया है। अभी मैं एक बात कहूंगी तो आप उसको ना ठीक से ही लेना। हमारे देश में गांधी ने दलितों की राजनीति की, लेकिन वो दलित वर्ग में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन दलितों की समस्याओं की तरफ ध्यान और उनका निदान वो गांधी ने किया। अमित शाह पिछड़े वर्ग में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन अमित शाह को सोशल इंजीनियरिंग की समझ बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि मोदी का व्यक्तित्व, लेकिन जैसा मोदी हमेशा कहते हैं ना कि हवा होती है लेकिन साइकिल के टायर में हवा डालने का प्रयास करना पड़ेगा ना, हवा अपने आप नहीं जाएगी टायर में, इसी तरह से जनता हमारे साथ होती है लेकिन उस हवा को फिर टायर में डालना यानी पोलिंग बूथ में वोट में डलवा देना, उसके लिए जो सोशल इंजीनियरिंग की समझ अमित शाह को है और जो संवेदना है गरीबों और पिछड़ों और दलितों के लिए, इसलिए मुझे उन्हें कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है। अमित शाह कोई गलत डिसीजन नहीं करेंगे, मेरा अमित शाह पर बहुत भरोसा है। चलिए उमा जी आप जुड़िए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर जीत की बधाई हो। उमा भारती जिन्होंने जो एक स्टार कैंपेनर थी भारतीय जनता पार्टी की, हमसे बात करते हुए। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक की बेहद